हाय दोस्तों, मैं सिरकान सर एक बार नए वीडियो में फिर से हाजिर हुआ हूं उड़ान सेना रिटेन में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और शेयर करना ना भूलें। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि ये जो है बहुत ही बड़ा खुशखबरी लेकर आया हूँ, कांस्टेबल जीडी भर्ती ऑनलाइन शुरू। वैकेंसी कितना है ये भी आप जान सकते हैं। तो आप लोग बहुत ही खुश हो जाएंगे इस नोटिस को देखकर। तो इसमें जो है सीआईएसएफ का सबसे ज़्यादा सीट दिया गया है, बीएसएफ सीट दिया गया है। तो सब चीज़ आपको नोटिस के साथ में दिखाऊंगा, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो लेट नहीं करता हुआ वीडियो का स्टार्ट करता हूँ। आपका अपना काम है शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो चलिए आगे चलते हैं अपने वीडियो पर और कितना वैकेंसी है इसको देख लेते हैं, ठीक है। शेयर करना ना भूलें प्लीज़। दोस्तों आप देख आ चुका हूं, तो ये देखिए है इसका ऑफिशियल साइट एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो इसी के द्वारा जो है हमारा एसएससी जीडी का वैकेंसी लिया जाता है। तो ये देखिए उसका ऑफिशियल नोटिस है, यहीं पे आपका मेल और पासवर्ड डालिएगा। जिनका पुराना होगा तो उनका लॉगिन हो जाएगा, और जो नए होंगे वो रजिस्टर न्यू पर या न्यू यूजर पर जाएंगे तो उनका होगा। तो चलिए देखते हैं वो नोटिस जो है क्या है, ठीक है। नोटिस को देख लेते हैं। तो ये देखिए होम पर हम जाते हैं, नोटिस पर। ये देखिए नोटिस पर गए हम, यहाँ पर देखिए नोटिस आ गया सीजीएल का है, लेकिन यहाँ पर हम जाएंगे कांस्टेबल जीडी का, ठीक है। कांस्टेबल जीडी का नोटिस देखते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 17/7/2021 नोटिस ऑफ, अब देख रहे हैं वो, ये पढ़िए इसको, नोटिस ऑफ कांस्टेबल जीडी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएस, ठीक है। तो यहीं पर है, ये देखिए आप यहाँ पर जो है इस नोटिस को हम देखो डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए डाउनलोड हो रहा होगा, ये देखिए आ गया, ठीक है। तो ये एसएससी का आपका ऑफिशियल साइट, यहाँ पर देखिए क्या दिया है। तो यहाँ पर आप शुरू से अच्छे से देखिएगा, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17/7, यानी आज से ही इसका स्टार्ट भी कर दिया गया है। और डेट लास्ट डेट जो दिया है 31/8 तक दिया है। डेट तो बहुत बड़ा दिया है लेकिन जो है सीट बहुत ही कम दिया है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये लास्ट आपको जो है पेमेंट का दिया है 2/9 तक, बहुत बहुत बड़ा दिया है। साला इतना बड़ा दिया है कुछ कहना नहीं है। अगर आप ऑफलाइन चलान काटते हैं तो 4/9 तक दिया है, ठीक है, बैंक के अनुसार, ठीक है। अगर बैंक के द्वारा करते हैं तो 7/9 तक, बहुत ही बड़ा दिया है, समझिए। डेट डेट के लिए टेंशन नहीं है, ठीक है। डेट यही टेंशन है कि पढ़ाई करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखते हैं कि सीट कितना दिया है, क्या कितना दिया है, इसमें आपको सब चीज़ बता देते हैं। इसमें जो है सबसे पहले जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम लेगा, ये आपको देखिए यहाँ पर बता रहा है। फिर पीईटी पीएमटी लेगा, वो तो आप लोग जान रहे होंगे, फिर है। और उसके बाद मेडिकल लेगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब सीट को लेकर। तो सीट जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, सीट जो है देखिए बीएसएफ का है, जो 7,545 सीट है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर सीआईएसएफ का जो है 8,464 पोस्ट है। फिर उसके बाद आपका सीआरपीएफ 0, सीआरपीएफ का एक भी सीट नहीं दिया है इस बार जो है, इस बार एक भी सीट नहीं दिया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा सीआईएसएफ का सीट है, ठीक है। उसके बाद बीएसएफ का है, उसके बाद देखिए एसएसबी का 3,806 पोस्ट है, आईटीबीपी का 1,431 पोस्ट है, ठीक है। फिर देखिए आपका यहाँ पे 3,785 पोस्ट जो है असम राइफल का दिया गया है, और एनआईए का भी इस बार 0 है, और एसएसएफ जो है 240 पोस्ट है। यानी टोटल सीट जो है 25,271 सीट आपका दिया गया है, ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों हैं। तो मेल का जो है आपका टोटल जो है 22,424 पोस्ट है मेल वाले, आप देख सकते हैं कि मेल वाले जो है 22,424 पोस्ट है, और आपका जो है फीमेल जो हैं उनका जो है 2,847 पोस्ट, ठीक है। तो पोस्ट देख ही रहे हैं कि आपका कितना कम वैकेंसी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान रखते हुए आपको जो है तैयारी बहुत ही बेहतर करना है। और एज लिमिट जो है देखिए यहाँ पर एज लिमिट की भी बात कर लें इसी वीडियो में, वीडियो तो ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है, लेकिन एज लिमिट की बात की जाए तो आपको जो है 1/8/2021 तक आपका जो है लिया गया है, ठीक है। 1/8/2021 तक जिनका अगर है एज, उनका फॉर्म भराएगा, अन्यथा नहीं भराएगा, ठीक है। तो एस सी एस टी
है जिनका 5 साल का एक्सपेंशन है, ओबीसी का 3 साल और एक सर्विसमैन भी जो है उनका जो है 3 साल का बढ़ा देता है कि जो कट ऑफ डेट होता है उससे आप इतना एक्स्ट्रा मान के चल सकते हैं। यानी जनरल का अगर 23 साल है तो उनका हो जाएगा एससी एसटी का 28 साल, ओबीसी का 26 साल और एक सर्विसमैन भी है उनका भी 26 साल। ठीक है, तो यही है। और उसके बाद आप जो हैं इस पर ध्यान दीजिए, फॉर्म को जितना जल्दी अपना भर लीजिएगा। तो आप जो है सबसे पहले फर्स्ट चॉइस सीआईएसएफ डालिएगा, ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि सीआईएसएफ ज़्यादा पोस्ट है। तो सीआईएसएफ फर्स्ट चॉइस डालिएगा, सेकंड बीएसएफ डालिएगा, जो भी आपका इच्छा हो जिस अनुसार। लेकिन सीआरपीएफ इस बार नहीं है तो इस बार जो है कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, अपना तैयारी बेहतर करें। और ये भी मैं बताऊँगा कि कौन सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, सब चीज़ मैं बताऊँगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिस जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बस इतना ही तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।